बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, बिलाल सफ़र शो में खुश आमदीद। दो तीन दिन पहले वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको दिखाया था कि कैसे क्लाइंट के घर के छत पर हमने रूफ़ वाटर प्रूफिंग की थी, यानी रूफ़ हीट इंसुलेशन एंड वाटर प्रूफिंग केमिकल लगाया था। दरअसल हमारे क्लाइंट मुल्क से बाहर रहे काफ़ी साल और घर रेंट आउट किया हुआ था, तो घर की हालत कुछ खस्ता हो गई थी। उसकी पूरी रेनोवेशन चल रही है, तो चलिए आज आपको बाकी घर का भी सर्वे करवाते हैं कि क्या क्या काम हो रहे हैं। घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है, साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी जरूरी है। इसीलिए बिलाल ज़फर शो को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आइए इस किचन की तरफ जिसमें सारे पुराने कैबिनेट्स को उतार दिया गया है, पूरे किचन को रेनोवेट किया जा रहा है, तो टाइल्स भी उतारी गई हैं और नीचे वाले कैबिनेट्स भी और ऊपर वाले कैबिनेट्स भी। और अब आप देखेंगे कैसे 4 इंच की ईंट के साथ 3-3 फुट हाइट की दीवारें बनाई जा रही हैं जो कैबिनेट्स को एक दूसरे से सेपरेट करेंगी। इसके ऊपर ब्लैक ग्रेनाइट रखा जाएगा, फर्श पर भी नई टाइल लगेगी और कैबिनेट्स के अंदर भी टाइल लगेगी। किचन के कैबिनेट्स के हवाले से एक ये बात करना चाहूँगा कि आम तौर पर देखा है मैंने कि कॉन्ट्रैक्टर्स पैसा बचाने के चक्कर में, ख़ासतौर पर वो हजरात जिन्होंने घर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना होता है, कैबिनेट्स के अंदर कुछ भी नहीं लगवाते। हर एक ऐसे नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। तो जब कैबिनेट्स के अंदर कुछ नहीं लगाते तो एक तो ये है कि अगर आपने वाटर प्रूफिंग सही से नहीं की हुई तो दीवारों से भी उसके अंदर नमी आ जाएगी, जिसकी वजह से मसाला जात खराब हो सकते हैं और कीड़े बहुत पैदा होते हैं जब उनको ठंडी और नम जगह मिलती है। दूसरी बात यह कि काउंटर टॉप और टाइल का जो जॉइंट होता है वहां से भी प्रॉपर सीलिंग नहीं की जाती, जिसकी वजह से पानी नीचे आता है। बर्तन धोते हुए सिंक के साइड्स से भी पानी नीचे आता है अगर प्रॉपरली सील ना किया हो। तो सील करने के लिए बेस्ट ये है कि वाइट सीमेंट से भी सील कर सकते हैं, वरना डॉक्टर फिक्सिट भी लगा सकते हैं। डॉक्टर फिक्सिट से ज़रा ज़्यादा नीट फिनिश आती है वाइट सीमेंट की नस्बत। यहाँ पर जो किचन दोबारा से बनाया जा रहा है इसके अंदर भी टाइलें लगेंगी, उस तरफ होगा चूल्हा और चूल्हे का टॉप जहाँ पर रखना चाहते हैं उसी के बराबर ये सारी कैबिनेट्स की हाइट रखी गई है। वॉश बेसिन वहां पर लगाया जाएगा। अच्छा, अब एक खास तौर पे वाटर प्रूफिंग का पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाना चाहता हूँ कि जैसे छत के ऊपर वाटर प्रूफिंग की गई है, इसी तरह किचन की बैक साइड पर जो गैलरी होती है वहां भी प्रॉपरली स्लोप बनाकर ड्रेन इंस्टॉल करना चाहिए ताकि पानी ड्रेन आउट हो, और वाटर प्रूफिंग भी करनी चाहिए इस जगह की, क्योंकि अक्सर ये शेड अगर आप नीचे से देखें तो नीचे वाले पोर्शन से ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको डैम्पनेस नजर आएगी और नीचे वाले किचन की दीवारों में ऊपर से भी नमी आ रही होती है, वो यहाँ से आती है। गौर से गुफ्तगू सुनिएगा क्योंकि उसमें आपके लिए बहुत से अच्छे मशवरे पोशीदा हैं। उधर से लाजमी कोई एक ड्रेनेज पॉइंट होना चाहिए जिधर से पानी नीचे जाए। अगर आप पाकिस्तान भर में कहीं भी वाटर प्रूफिंग केमिकल मंगवाना चाहते हैं या रावलपिंडी और इस्लामाबाद एरिया में अपने घर की रेनोवेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर आपको स्क्रीन पर दे देता हूं, आप हमसे रेनोवेशन भी करवा सकते हैं और वाटरप्रूफिंग केमिकल सप्लाई तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आप करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। देखते रहिए बिलाल ज़फर शो, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज के सर्वे, प्लॉट और घरों के सेल परचेज और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की मालूमात के लिए पाक प्रॉपर्टी गाइड को सब्सक्राइब कर लें।